अगला उपग्रह जो इस अभियान में जा रहा है वो है बायरोस, जो जर्मनी का उपग्रह है। यह एक वैज्ञानिक उपग्रह है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य उच्च तापमान वाली घटनाओं की सुदूर संवेदी तकनीकी द्वारा जानकारी प्राप्त करना है। इसके अलावा जो सैटेलाइट जा रहा है वो स्काईसैट जेन 2-1 और इसके साथ ही डब उपग्रह जा रहे हैं जो अमेरिकी उपग्रह हैं। We are only 20 seconds from launch and now we go quiet for few moments to let you have feel of the launch. अब हम सिर्फ 13 सेकंड की दूरी पर हैं, प्रमोशन होने वाला है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 शानदार तरीके से वाहन ने अपना स्थल छोड़ा और इस समय वाहन अपने मार्ग पर जाते हुए और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने भव्य रूप से ये वाहन अपने पुनर्निर्धारित मार्ग पर जाते हुए And now all the six strap-ons and the core is thrusting. This is the most powerful phase of flight. The dense atmosphere of Earth is being successfully negotiated by our PSLV launch vehicle. Excel is on the way and the next event is the separation of four ground-weight strap-ons which will happen at 70 seconds from liftoff. आप देख रहे हैं कि पहले चरण का इग्निशन हो चुका है और जो भूमि पर प्रज्वलित होने वाले थे स्ट्रैपॉन्स उनका भी प्रज्वलन हो चुका है और जो हवा में प्रज्वलित होने वाले स्ट्रैपॉन थे उनका भी प्रज्वलन हो गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से वाहन अपने पूर्व निर्धारित मार्ग पर जाते हुए इन फ्यू मोमेंट्स वी आर गोइंग टू हैव द सेपरेशन ऑफ टू एयरलिट स्ट्रैपॉन्स एंड आफ्टर दैट द कोर विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली फॉर अनदर 20 सेकंड्स।